सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा मैं उसको 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा। जगतगुरु परमहंस आचार्य, इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा, जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। जगतगुरु परमहंस आचार्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के जवाब में बड़ा विवादित बयान। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह अयोध्या में चर्चा में बने रहने वाले जगतगुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर बड़ा विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और भारत पाकिस्तान बंटवारे में जिन्ना के बजाय हिंदू महासभा की भूमिका के संबंध में दिए गए बयान को लेकर परमहंस आचार्य ने जो कुछ भी कहा उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा मैं उसको 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधि सहायता करूंगा, क्योंकि इसने सभी हदें पार कर दी हैं, अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। इस बयान के पहले उन्होंने जिन्ना और स्वामी प्रसाद मौर्य का पोस्टर जलाए और विवादित टिप्पणी की। आज मैंने देश का विभाजन करने वाला राक्षस मोहम्मद अली जिन्ना का हमने पुतला जलाया और जिन्ना पुत्र सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की चर्चा किया इसलिए देश का पार्टीशन हो गया था, उसने जो है देश के विभाजन का जिम्मेवार कहा जिन्ना नहीं हिंदू महासभा है और वीर सावरकर को बताया। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दिया है, अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा।